गुड मॉर्निंग प्लीज, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हमने बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं द यूरिन कंपोजिशन, दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। हमारे यूरिन के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। लुक द यूरिन कंपोजिशन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इन ए नॉर्मल इन ए हेल्दी पर्सन द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फ्रॉम 1 to 1.8 liters इन 24 hours। एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 से 1.8 liters यूरिन बनता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द इनटेक ऑफ द फ्लूइड्स। मान लीजिए अगर फ्लूइड्स हम ज़्यादा लेंगे तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, कम लेंगे तो कम बनेगा। सेकेंडली, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी पर भी ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा यूरिन भी कम बनेगा। देन इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर ऑल्सो। मान लीजिए इफ इट इज़ कोल्ड टेम्परेचर, सर्दी का मौसम है, हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा बनेगा। और अगर मान लीजिए गर्मी है तो हॉट टेम्परेचर में यूरिन हमारा कम बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। नो अबाउट द यूरिन कंपोजिशन, व्हाट डज इट कंटेन। नॉर्मली द यूरिन कंटेन्स मैक्सिमम वाटर प्लस यूरिया विच इज द टॉक्सिक मटेरियल प्लस प्रिंसिपल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ये हमारे यूरिन के अंदर पाया जाता है प्लस सम ऑफ द अदर मटेरियल ऑल्सो। Now, what about this urine? Urine is slightly acidic in nature. हल्का सा ये acidic पाया जाता है. And when it is stored for a longer period, it gives the strong ammonia smell. It is aqueous. Aqueous है कि वो धीरे धीरे ये air के अंदर ये evaporate होता रहता है. The specific gravity of the urine is between 1.003 to 1.040. The urine contains the certain important salts like the chlorides, sulfates, phosphates of potassium, calcium and magnesium etc. तो हमारे बेसिकली हमारे यूरिन के अंदर ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। और यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बॉडी हमारी बॉडी से बाहर आएगा इन दिस वे देर विल बी द कंप्लीट यू कैन सी द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, बिकॉज देर आर द टू इम्पॉर्टेंट वेज जहाँ से हमारा टॉक्सिक मटेरियल बाहर आ सकता है। वन इज़ द आइदर बाय द स्वेटिंग और बाय द यूरिन। तो स्वेटिंग में डिपेंड, मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा यूरिन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वे है जहाँ से ये मैक्सिमम टॉक्सिसिटी टॉक्सिक मटेरियल या एक्सेस ऑफ फ्लूइड के आने का एक ऐसा रास्ता है जहाँ से ये मैक्सिमम यूरिन हमारा बाहर आता है। सो दिस रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। तो इससे पहले जैसा कि आपको बताया गया था कि द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन के बाद the urine formation by the nephron, and this is about the composition of the urine. So please like the video, share the video. Thank you very much.